हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। एवरीवन, इफ यस तो देन क्विकली वी कैन गो अहेड एंड आज हम लोग बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो आज पूरा आपका बेसिक मैथ्स वन शॉट में पूरा फिनिश हो जाएगा। सो आज हम डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, लॉगरिदम, अप्रोक्सीमेशन, उसके साथ साथ में और थोड़े बहुत जो यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं, लाइक जो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं आप लोग, तो वो सारे भी कन्वर्जन्स हम देखेंगे। तो क्विकली जस्ट लेट मी नो कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं एंड मैं आपको क्लियरली दिख रही हूँ। ठीक है, ऑल राइट, शैल वी मूव अहेड। एक बार मुझे जल्दी से सब चैट सेक्शन में थम्स अप, ठीक है, बोल दीजिए कि एवरीथिंग इज ओके, देन हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और देखिए, आप लोगों के डिमांड पे आज फाइनली मैं स्टूडियो में लेक्चर ले रही हूँ, सेकेंड वाला। ठीक है, आप लोगों ने बोला था ना मैम, बहुत दिन हो गया आप छोटे स्क्रीन पर ले रहे हैं लेक्चर, सो आई थॉट कि चलो आज मैथ्स पढ़ना, मैथ्स तो एकदम जोश में पढ़ते हैं। चलो वेरी गुड, सबके साथ शेयर कर लीजिए एंड हम आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम आप लोग शेयर कर लीजिए। सो बच्चा, आपको आज जो भी हम लेक्चर में फॉर्मूलेस लिखेंगे मैथ्स के, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, लॉगरिदम, अप्रोक्सीमेशन, उसके अलावा जितने भी फॉर्मूलेस होंगे, अगर आपको वो सारे फॉर्मूलेस नोट्स के फॉर्म में चाहिए, यू ऑल हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज इवन आप सर्च भी कर सकते हैं लेट्स क्रैक नीट यूजी के नाम से, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप लोग में से अगर जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, अभी भी आपको लगता है कि मैम हम एकदम अच्छे से कर सकते हैं, प्रिपेयर कर लेंगे और डेफिनेटली हम क्रैक करना चाहते हैं नीट, सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइज। एंड 20% ऑफ है 2 दिन के लिए, 30 एंड 31st। तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, एंड आई थिंक सभी को पता है मेरा कोड, राइट right? आप मेरा कोड अर्चना10 यूज कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा कोड है, आप इसको यूज कीजिए, इमिडिएटली आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको मेरी मेंटरशिप एंड मेरे अपने नोट्स, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या क्या है यार, इसको क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं आपके रेगुलर प्राइजेस हैं ये, आफ्टर 20% डिस्काउंट के साथ में, सो बेस्ट मौका है, फायदा उठा लीजिए, बिकॉज फर्स्ट फेब ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं कि आपकी प्राइजेस जो है वो हाइक होने सकती हैं। बाकी सब बैचेस स्टार्ट हुई हैं, कोई भी बैच ज्वाइन कीजिए, किसी से भी पढ़िए, मेरी भी बैचेस स्टार्ट होने जा रही है, इट्स अप टू यू, कोई अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप डाउट्स वगैरह जो है डाउट्स पूछ सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक करके अपलोड कीजिए, अपलोड करने के बाद में आप लैंग्वेज चूज कीजिए एंड आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आपके जो भी प्राइजेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये सारी सारी आपको इजीली 20% ऑफ मिल जाएगा। कब तक? सिर्फ 2 दिनों तक के लिए है। तो लेट्स मूव टू आर टॉपिक एंड आई थिंक सभी लोग रेडी हैं। चलिए, अब हमको और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। आई वॉज वेटिंग कि बाय द टाइम सब लोग आ जाएं। तो नाउ टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट बेसिक मैथ्स पार्ट 2। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, बेसिक मैथ्स एंड दिस इज पार्ट 2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद योर डेरिवेटिव्स एंड देन उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज ओके। मैम आज बेसिक पूरा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल पूरा हो जाएगा। इसका पार्ट 1 जो है, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है, ज्योमेट्री करा दिया है, देन उसके बाद में बेसिक अलजेब्रा जो है, वो सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में कराई हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसकी वीडियोस अवेलेबल है। दिस इज पार्ट 2, तो लेक्चर्स अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स कवर हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड नाउ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, एक बार जल्दी पहले हम लॉग कर लें कि पहले डेरिवेटिव कर लें। देखो,
मैथ्स वाले फॉर्मूले तो सबने किए होंगे. आई मीन मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट था लास्ट टाइम जो मैंने कराया है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा. ठीक है, तो एक काम करती, मैं लॉग पहले करवा देती फिर डेरिवेटिव पर आती हूँ, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में पता रहेगा, तो जो हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस लिखेंगे तो फिर आपको भी मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, तो लेट्स गो अहेड नाउ. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग लॉग के बारे में बात करते हैं, लॉगरिदम. ठीक है, देखो लॉगरिदम में अगर हम बोल रहे हैं कि, अगर यहां मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ, यार पेन का कलर चेंज नहीं हुआ. ओके, वन सेकेंड. नाउ इट्स फाइन. अगर हम लोग ने सपोज ऐसे बोल दिया, 2 raised to 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता है 2 का क्यूब इज 8, राइट? एक बार मुझे सब लोग बता दीजिए, ये तो सभी को पता है ना कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है. इसमें देखो, एक हम बेस बोलेंगे, एक इंडेक्स बोलेंगे, और एक जो उसका फाइनल आंसर आता है. ऑल राइट, बहुत ध्यान से सुनिए. अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप डाउट जरूर अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं थोड़े थोड़े टाइम पे आपके डाउट्स देख के आपको आंसर कर दूंगी. ऑल राइट, चलिए, वेरी गुड. तो जब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ये 2 का क्यूब 8 है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या बोला कि मुझे क्या लेना है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है. ध्यान से देखो आप लोग, हम क्या लिख रहे हैं, लॉग किसका, ऑफ 8 का, लॉग 8 का, और जिसका बेस क्या है, 2 है, इसका आंसर कितना आएगा, 3. एक बार जल्दी से सब एक्सप्रेशन देखो और मुझे बताओ ये समझ में आया. इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज व्हाट, बेस. ये दिख रहा है, ये जो नंबर है ना, इसको हम बोलते हैं बेस. आप यहाँ देख देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है हमने, ये बेस लिखा हुआ है. ठीक है, और ये जो पावर है, जब आप लॉग किसका लेते हैं, ये वाले नंबर का लॉग लेते हैं, तो ये जो पावर होगा दैट विल बी द आंसर, और ये जो है ये बेस है. मतलब लॉग किसका, 8 to the base 2 इज इक्वल्स टू 3. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. एक बार मुझे सब बताइए कि क्या ये सभी को समझा, ये जो हम लोग ने एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा. एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर नाउ. ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग. तो ये हमने लिख लिया. अब एकदम ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था, अब इसके आगे हम फटाफट से देखते हैं, दो चार एक्सप्रेशंस और लिख लेते हैं उल्टा सीधा सब करके. ठीक है, कि अगर सपोज ऐसा ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और एल्स अगर लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है तो हाउ वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट मैथमेटिकल, मतलब ऐसे इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. और साथ में सबके साथ शेयर भी करते रहिए और लाइक वाइक भी करते रहो, मतलब वो सब बोलने की जरूरत ना पड़े. वेरी गुड, तो लेट्स गो अहेड नाउ. अब हम लोग ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पर लिखूं तो सपोज हम लोग ने किसका लिख दिया, 10 का लिख लेते हैं. सो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इट इज व्हाट, 100. अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में लिखूं, आई कैन से दैट लॉग किसका, इसका. ठीक है, तो लॉग 100 का बेस क्या होगा, 10, एंड आंसर क्या आ जाएगा, 2, राइट? यही होगा ना, क्योंकि हमने क्या लेना है, 10 का स्क्वायर ही क्या होता है, 100 होता है ना, बराबर? समझ में आया सभी को? इन जनरल अगर एक्सप्रेशन मुझे लिखना होगा, मतलब एक्स और वाई के टर्म में, अभी तो हमने प्रॉपर नंबर ले लिया, व्हाट इफ वी विल राइट इन जनरल एक्सप्रेशन. ठीक है, या सो दिस इज, लेट मी राइट दी व्हाट इन जनरल एक्सप्रेशन. ऐसा कोई भी होगा तो उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने क्या बोल दिया, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है,
लॉग क्या ले लिया हम लोग ने, एक्स टू द बेस वाई इज इक्वल्स टू, कुछ भी ले लो आप, जेड बोल दो या एबीसी लिखना एबीसी लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? उसमें कुछ अलग से ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। हेलो बच्चा, तो आप यहाँ चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने जैसे यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, लेट मी नॉट यूज वाई बिकॉज उससे क्या होगा कि हम बाद में जब वाई इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लेट मी राइट ए ओनली। लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने जेड लिख लिया, ठीक है? चलिए ओके। और इसको अगर आप इन जनरल लिखेंगे तो क्या बोल देंगे, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, ए रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू जेड, ये हो गया लॉग। अब इसके आगे जो आता है, अब इसका मतलब आप ऐड कैसे कर सकते हैं लॉग को, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो बेसिक रूल्स हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है? बेसिक रूल्स इन केस ऑफ लॉग। तो सबसे पहला चीज है कि जिस पे हम डिस्कस करेंगे, अगर हमने ऐसे बोल दिया, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, या हम ए बी के फॉर्म में ले लें, जनरली हम ए और बी के फॉर्म में यूज करते हैं, तो लेट मी राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ओनली। सो हियर लॉग ए प्लस लॉग बी कैन बी रिटन एज, ऐसा अगर प्लस में होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज लॉग ऑफ ए बी। देखो बच्चा, मैंने यहाँ पर लॉग लिखा है, लो जी लॉग, मैं बताऊंगी कि जब हम लोग एल एन यूज करते हैं, ठीक है, आप देखेंगे बहुत बार हम लोग एल एन यूज करते हैं और बहुत बार हम लोग लॉग यूज करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? एल एन एक्चुअल में ये नेचुरल लॉग है, ये है लॉग टू द बेस 10, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉग एंड लॉग टू द बेस 10, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके वेरी गुड, एंड सबके साथ शेयर करते रहो, पब्लिक एकदम आ जानी चाहिए, संडे है मतलब आज फिजिक्स तो पढ़ना ही चाहिए तुमको, ओके? चलिए वेरी गुड, सो नाउ सेकेंड फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए माइनस बाई, ये क्यों पीछे रहेगा, लॉग बी इज इक्वल्स टू, वो क्या लगता है क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, क्या होगा, लॉग ए अपॉन बी, समझा? प्लस है तो इनटू, माइनस है तो अपॉन, देन उसके बाद में आप अगर ऐसे लिख देते हैं, लॉग ए रेस टू एम, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैन जो मर्जी वो लगाना है लिखो, बट पावर होना चाहिए, सो इट कैन बी रिटन एज एम इनटू लॉग ए। एक बार मुझे सब बता दीजिए, क्या सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल सही जवाब। अरे भाई पब्लिक है, पब्लिक है तो पब्लिक को पढ़ना ही चाहिए, ओके बहुत अच्छी बात है। चलिए सुनाओ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? तो हम लोग ने ये फॉर्मूला लिख लिया, प्लस माइनस रेस टू, जो कि जनरली आपको यूज करना पड़ता है फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसके अलावा और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम ले लेते हैं, अगर कोई हमको हमारे नॉलेज को टेस्ट करना चाहेगा, कोई कौन टेस्ट करेगा, एनडीए वाले टेस्ट करेंगे कि भाई चलो एक आध जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा बहुत ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, तो तुम तैयार रहोगे, ठीक है? तुम्हारे साथ कोई ऐसे मजाक थोड़ी कर सकता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि और हम कन्वर्जन देख लेते हैं, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो इसके साथ साथ में और क्या करेंगे हम लोग, सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट, क्या डाउट है भाई, तुम लोग क्या पूछ रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आई टोल्ड यू ना कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉग, LOG लॉग जब आप लिखते हैं, एंड LN लॉग, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों को तो हम लॉग ही बोलते हैं. जब आप LN लिखते हैं, LN मतलब ये होता है नेचुरल लॉग, दिस इज नेचुरल लॉगरिथम. मैं ऐसे लिख देती हूँ. नेचुरल लॉगरिथम का मतलब क्या है? यहाँ पर बेस क्या है? ई है, ठीक है. ये जो होता है बेस ई होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, मैंने आपको बताया है. और जब हम LOG लॉग लिखते हैं, यहाँ पर बेस क्या होता है? 10 होता है, ठीक है. दिस इज लॉग टू द बेस 10, क्या? लॉग टू द बेस 10. अगर आपको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, मतलब नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में, या लॉग टू द बेस 10 को नेचुरल लॉग में, जनरली ये सिर्फ हम एक ही जगह पर करते हैं. जब आप लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, तो वहां पर जब लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा क्या है? विच इज अ डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. तो वहां जब आप डेरिवेशन करते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, ठीक है. तो वहां हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, बाकी और कहीं हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है. हाँ बिल्कुल. तो चलिए अभी इन्वर्स वाला करते हैं, उस पे आते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है. वी विल मूव वन बाय वन, तो तुम लोग चिंता मत करो. ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया. तो किसी को कोई डाउट नहीं, सब ठीक है, चलो बढ़िया है. तो ये चीजें हो गई, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं. अब इस देखो, इसको इसको कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है. यहाँ पर ई जो होता है ना, ई का वैल्यू कितना होता है? 2.303 होता है. तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके आ जाएगा. हम रुको, उस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है. ओके चलो बढ़िया. तो फिलहाल ये फॉर्मुलेज आप ध्यान में रखो, जैसे कि आपने सपोज ऐसे लिख दिया. एक जो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमको ये काम लगता है ln ऑफ 2. मैंने log ऑफ 2 नहीं बोला, log ऑफ 2 होता है वो 0.3010 होता है. क्या बोला मैंने? कि log ऑफ 2 जो होता है, दिस इज 0.3010 होता है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln ऑफ 2? एनीवन? ln मतलब हमने क्या बोला कि इसका बेस e होगा. बेस इसका जो वैल्यू आता है, दिस इज 0.693. जो आप लोग लिखते हैं ना फॉर्मूला, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 0.693, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा. कुछ कुछ याद आ रहा है एवरीवन? तो ये वही चीजें हैं, ठीक है. बिल्कुल सही जवाब. अब आई थिंक तुम लोग अब रिलेट भी कर पा रहे हो कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सो दैट कि हमारा कन्वर्जन हो जाता है. बढ़िया, चलो वेरी गुड. ए भाई, हमारे यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है, वी आर ब्लेस्ड, ठीक है. हमारे यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बस तुम लोग संभाल के पेन और पेपर लिख के, भले कंबल ओढ़ के बैठे रहोगे, पर अच्छे से लिख लो और चीजों को समझ लो, ठीक है. चलिए कोई बात नहीं. सो नाउ हियर वी कैन से दैट, कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, लाइक इफ वी आर राइटिंग y इज इक्वल्स टू log ऑफ टू द बेस e इज इक्वल्स टू x, ठीक है. सो नाउ इन दिस केस व्हाट यू कैन से दैट कि y विल बी व्हाट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x. y ln log टू द बेस e को ही तो हम क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं ना. और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये इसको याद रखना, क्योंकि ये हमको बहुत बार यूज करना पड़ता है कैलकुलेशन में. ये समटाइम्स यूज करना होता है, बट ln ऑफ 2 यू गाइस शुड नो. मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में दिया होता है, बट अगर नहीं दिया है तो भी तुमको इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, अगर कहीं इन बिटवीन कैलकुलेशन में आ गया तो, ठीक है. क्लियर? चलो वेरी गुड. अब हम लोग थोड़े से और फॉर्मुलेस पे जाएंगे. आप यहाँ IMP करके डाल दीजिए. IMP फॉर्मूले तो नहीं, मैं इसको पॉइंट्स करके बोल देती हूँ. वन सेकेंड, IMP पॉइंट्स. IMP तो ऐसे ही हो गया ना, चल ठीक है.
द फर्स्ट वन, ठीक है, रेडी एवरीवन? तो ठीक है, लिख लीजिए फॉर्मूला, सब ठीक है। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, विच इज लॉग ऑफ ए टू दी बेस ए, इसका क्या आता है? वन आता है। कैसे आता है आपको देखो, अभी हमने लिखना सीखा था कि अगर ए रेस टू मतलब वाई रेस टू एक्स है इज इक्वल टू सपोज जेड है। आप देखो ना, आप इसको अगर अलग से लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका बेस है, ये जो आपका फाइनल मिला है, मतलब क्या हो गया, दिस इज वन इज इक्वल टू ए रेस टू ए, एक ये बेस हो गया और एक नंबर, जैसे हम लोग ने लिखा था ना टू रेस टू थ्री इज इक्वल टू एट, तो इसी हम लोग इसी को हमने क्या बोला ना, लॉग एट थ्री बेस टू इज इक्वल टू थ्री, तो दैट्स व्हाट सेम थिंग। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग ए, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, वन होता है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट इरेज इट, एक सेकेंड रुक जाइए, कहाँ गया इरेज और अपना, तो इसको हम फिलहाल इरेज करते हैं क्योंकि ये हमको अभी पता है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, नाउ हियर वी कैन राइट लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल्स टू वन, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, बढ़िया। तो इसके इसके जैसे ही आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं लाइक अगर आप इसको यहाँ लिखना चाहें तो यू गाइस कैन राइट विच इज ए रेस टू एनीथिंग रेस टू वन, क्या हो जाता है, सेम थिंग आ जाता है। अब अगर मैंने लॉग वन लिख दिया, क्या लॉग वन टू द बेस ए या कुछ भी लिख दीजिए, जिसका बेस कुछ भी हो, फिलहाल हम ए ले ले रहे हैं, लॉग वन टू द बेस ए, वन का लॉग क्या होता है, जीरो होता है, याद रखना लॉग वन लॉग टेन इज जीरो, ये आंसर जीरो मिल जाएगा। इसको भी अगर आपको लिखना है तो यू पीपल कैन राइट इट लाइक दिस विच इज ए रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, इट्स नॉट जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वॉट, वन, ये आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेम बेसिक सा रूल अप्लाई किया है। नाउ द थर्ड वन, अब तुम बोलोगे मैम इतना सारा मैथ्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, जनरली ये जेई में यूज होता है, बट ठीक है ना, अगर तुमको कोई एक आध टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाए और आ गया, तुमको थोड़ा कुछ पता है तो कोई बुरी बात तो है नहीं, दो चार तो गिन के फॉर्मूलेज हैं, कर लो, ठीक है, ये हमने कर लिया। और एक लास्ट में इन्फिनिटी का बता दे रही हूँ, तो अगर मैंने क्या दिया कि विच इज लॉग इन्फिनिटी टू द बेस ए, सोचो इन्फिनिटी की बात कर रहे हो, जीरो का तो क्या हो गया, मतलब लॉग वन का जीरो हो गया, लॉग इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, आई मीन इन्फिनिटी होगा ना, तो यहाँ पर भी आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यू गाइस कैन राइट इट लाइक दिस बेस, ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट दी वॉट इन्फिनिटी, और ये तुम्हारा ए रेस टू इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, समझ में आया एवरीवन, क्लियर? तो इन जनरल अगर हम क्या लिखें, इफ वी विल राइट इट लाइक दिस विच इज एक बार मुझे सब पहले बता दो कि ये चीजें समझ में आई आप लोगों को, यहां तक सभी को क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट, आगे बढ़े। सो नाउ इन जनरल एक्सप्रेशन एक लिख लेते हैं वाई और एक्स के टर्म में, सो दैट अपने को पता चलेगा कि क्या जीरो हो सकता है क्या वन हो सकता है। अभी तो हम लोग ने स्पेसिफिकली मतलब जीरो लिया वन लिया एंड इन्फिनिटी लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल एक्सप्रेशन। सो इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, चलो लेट्स मूव टू दैट। सो हियर इफ वी आर सेइंग कि अपना इन जनरल एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग सॉरी x टू द बेस a, ये अपना इन जनरल एक्सप्रेशन है, हमको सिर्फ किसको डिफाइन करना है, वी हैव टू डिफाइन x एंड y को, तो x और y क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज क्या मिलेंगी। नाउ हियर वी कैन से दैट अगर x जीरो है, ध्यान से देखो बच्चा, अगर x जीरो है यहाँ तुमको y क्या मिल जाएगा, प्रीवियस वाला एक्सप्रेशन देखो इन्फिनिटी था ना, मतलब लॉग ऑफ जीरो, तो आपको क्या मिल गया था, इन्फिनिटी मिला था कि नहीं,
यही जो हो जाएगा, ये जीरो रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा, और अगर एक्स आपने क्या ले लिया, सपोज वन ले लिया, तो वाई यू गाइज विल गेट व्हाट, विच इज जीरो। अगर आपने एक्स को क्या ले लिया, जीरो लिया, हमने वन लिया, और क्या है एक वैल्यू और क्या ले सकते हैं, इन्फिनिटी, बिकॉज जीरो वन इन्फिनिटी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो ये, और वाई जब है आपको क्या मिल जाएगा, आई थिंक आपको दिख रहा है क्लियरली, तो ये इन्फिनिटी है, तो ये भी इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो ये हो गया इन जनरल एक्सप्रेशन। सभी को समझा एवरीवन? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट इन जनरल एक्सप्रेशन। अब इससे ज्यादा लॉग नहीं पढ़ना है हमको। लॉग में एक्चुअल में जो ये तीन फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा आप लोगों को याद रखना होता है, जो मैंने पहले लिखा दिया वो हमेशा याद रखना। अगर ये सब नहीं भी याद रहता है तुमको तब भी, कौन कौन सा तीन फॉर्मूला, विच इज लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। देन सेकेंड फॉर्मूला वॉज लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी, एंड द थर्ड वन वॉज विच इज लॉग ऑफ ए रेस टू एम इज इक्वल्स टू एम इन टू लॉग ए। देखो आपको कुछ याद रहे ना रहे लॉग में, बट ये तीनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्योंकि जनरली जो आप यूज करेंगे ये तीनों यूज करेंगे। ये सब जो हमने लिखा हुआ है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बियॉन्ड दी पॉइंट जाके लिखा हुआ है, मतलब आप कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आप अगर ये सब पता है तो आप थोड़े मेंस के अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में ये सब आ गया तो। जनरली नीट का जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा ऐसा टफ कुछ नहीं, चीजें नहीं दी जाती हैं, एटलीस्ट कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्लियर। ओके तो चले आगे बढ़े, तो लॉग हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, सिंस हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो हम पहले आप, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेटिव पर आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड विद दी व्हाट अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। आप उसको अप्रोक्सीमेशन, पहले हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, फिर उसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन लिखा देती हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़े। एक बार मुझे सब जल्दी से क्विकली कमेंट करके बता दो कि अभी तक हमने जो भी किया सभी को सब कुछ समझा है। जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट्स चाहिए आपके, ठीक है, एंड सबके साथ शेयर भी करते रहो। चलो लेट्स गो अहेड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। जो भी तुम्हारा सर फोड़ना चाहता है तुम सर अपना दे दो, बोलो मेरे पास दो चार सर हैं, सब ले लो, सब फोड़ दो, तुम अपने से ही फोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये है कि हम यहाँ पर जो एक्स कंसिडर करेंगे वो एक्स बहुत 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 छोटा है, मतलब कितना छोटा, बहुत 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 छोटा है, किससे, वन से, 0.00000 कुछ भी हो, समथिंग, मतलब एकदम से जीरो नहीं है बट वो छोटा नंबर है, समझ में आया। एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो अगर ऐसा है तब क्या करेंगे, तब नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। अब इसके बाद में यहां पर जो आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसी को आप अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला ऑल्सो, बट यहां पर कंडीशन रहता है, याद रखिएगा, कंडीशन छोड़ के ऐसे कहीं भी अप्रोक्सीमेशन मत लिख लेना। अगर एक्स छोटा है, वन से बहुत छोटा है, तभी हम उसको यहाँ ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और एल्स यू कैन से कि आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला, ठीक है, सब रेडी हैं, आगे बढ़े। वन प्लस एक्स रेस टू एन, वन माइनस एक्स रेस टू, मतलब जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं वो सब हम लिख लेते हैं। सो लेट्स गो अहेड नाउ।
हियर वी कैन टॉक अबाउट 1 + x रेस टू n है. हमने बोला x क्या है, n से बहुत, सॉरी 1 से बहुत छोटा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + n इंटू एक्स. और अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद होगा हमने ऐसा फॉर्मूला कहाँ यूज किया है, ग्रेविटेशन टॉपिक में. जब आप ग्रेविटेशन का डेरिवेशन करते हैं विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, या एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अल्टीट्यूड, तो 1 - 2h / g आता है फॉर्मूला में. ऐसा कुछ याद है आप लोगों को, विच इज जी प्राइम इज इक्वल टू, या जी एच आप लिखना चाहें तो जी एच लिख दीजिए. आप ऐसे बोलते हैं 1 - 2h / g. आई थिंक अगर आप सबने सच में डेरिवेशन किया होगा तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पर ऐसा ही कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, जस्ट दैट कि वहां माइनस होता है तो ही क्या करना है. आप बोल सकते हैं सपोज उसको आपने माइनस एन ले लिया, तुम्हारी मर्जी, ठीक है. इफ यू विश यू कैन टेक इट लाइक दिस विच इज 1 + x रेस टू माइनस एन. तुम बोल दो इसको इट विल बी 1 - nx हो जाएगा. समझ में आया, यहाँ अपने को ये माइनस हाफ ही मिलता है तभी हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं. फिलहाल मैं इसको इरेज कर देती हूँ कि ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए लिखा हुआ था. अब उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर किसी को कुछ समस्या होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा. अब माइनस के फॉर्म में लिख लें, ये हम लोग ने प्लस के फॉर्म में लिखा ना, हियर यू कैन से दैट 1 - x रेज टू n, तब भी ये वैसे ही हो जाएगा 1 - nx. और इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस विच इज 1 + माइनस ही लिख लो, सॉरी, क्योंकि हमको दोनों माइनस के टर्म में लिखना है ना, तो दिस विल बी 1 - x रेज टू n. तो दिख रहा है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो नाउ यू कैन राइट दिस एज व्हाट, विच इज 1 + nx. जल्दी से बता दो मुझे, सबको समझ में आया, एवरीवन क्लियर? ठीक है, एक बार मुझे सब बता दो, ठीक है. ओके ओके ठीक है बच्चा. आई थिंक जो भी अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ यू गाइस आर स्टडिंग, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि आप यस सब ठीक है. ये इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. एक्स क्या होना चाहिए, अगर स्मॉल है तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर एक्स स्मॉल नहीं होगा तो ऐसा मत बोलना मैम ने बोला था ये चारों फॉर्मूला रट लो और इसको कहीं भी लगा देना. नहीं, पहले तुम देखो एक्स एकदम बहुत 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 छोटा है तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. चलिए तो शैल वी मूव अहेड, ठीक है, आगे बढ़े. ओके सो नाउ वी विल एक आध एग्जाम्पल करवा दूं इसके, कैसे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुमको थोड़ा तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाए कि मैम कैसा हो सकता है, 1 बहुत छोटा कैसे आ सकता है ना. चलो एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल. अगर मैंने बोल दिया 1.000, कितना भी ले लो, कितना जीरो लूं, बहुत छोटा चाहिए ना. तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी ले लिया, 5 जीरो, 4 जीरो, जो भी लेना है ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 ले लो रेस टू 4. बोलो मैम ये क्या है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है ना. वो देखने में लगेगा मतलब इधर तो कुछ है ही नहीं है, बट इसको आप कैसे लिख सकते हैं. तो आप लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पर एक ये भी ले लो ना, 1 भी ले लो, क्योंकि कुछ नहीं लिखोगे तो फिर अपने को फिर तो ये पूरा 1 ही हो गया. तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो कैन बी राइट इट लाइक दिस, यहाँ पर ही लिख लेते हैं. तो इट कैन बी रिटन एज 1 + 0. कितना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसको हम निकाल देते हैं, नहीं तो ये भी हमको डेसिमल ही लगेगा.
दिस इज 0 0 एंड देन ये 1। ये तो मुझे पहले बता दो, ये सभी को समझ में आया? ठीक है, और एज पर दी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये दिख रहा है, ये जो है ये कितना है, 1 से बहुत छोटा है क्योंकि ये 1 है और ये 0.00001 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारा क्या कहता है कि अगर आप 1 + x लिख रहे हैं रेस टू n, इफ योर x इज वेरी स्मॉल तो देन यू कैन राइट दिस एज व्हाट, 1 + n × x। यहाँ पर x क्या है, ये x है, समझा? तो अगर ये x है तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज 1 + 4 × x, वेर x इज दिस। इज दिस क्लियर? मुझे एक बार सब बता दीजिए, क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, एक माइनस वाला भी बता दूं या फिर आप लोग कर लेंगे, आपको समझ में आ गया? शैल आई गिव यू वन एग्जांपल फॉर -1 आल्सो, मतलब 1 - समथिंग, ये जो हम लोग ने लिखा है ना, 1 - x raised to n इज इक्वल्स टू 1 - n × x। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन वो भी हम कर लेते हैं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, क्या लूँ, कुछ तो ले सकते हैं हम लोग। अगर हम ऐसा लिखते हैं, 0.1 2 3 4, देखो ये आप नंबर कुछ भी ले सकते हैं, बेसिकली हमारा मेन मोटो है कि 1 से छोटा होना चाहिए ताकि हम उसको लिख सकें। यहाँ पर 4 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, तुम्हारी मर्जी। ये पार से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 0.0001 2 3 4। मुझे एक बार बता दो, अगर 1 में आप 0.0007 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आपको ये नंबर मिलता है क्या? एक बार सब लोग क्रॉस चेक करो, इतना मैथ तो सबको ही आता होगा। एवरीवन प्लीज क्रॉस चेक कि मैंने आपको क्या कहा, हमने क्योंकि ये क्वेश्चन खुद से अभी फ्रेम किया हुआ है, तो आप क्रॉस चेक एक बार करके देख लो। 1 में से अगर आप 0 पॉइंट के बाद में 4 जीरोज हैं, फिर ये 7 है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेदर यू आर गेटिंग दिस नंबर 0.4 times of 9 then 3 मिल रहा है, मतलब हमने प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म कर लिया है। तो 1 - x raised to n, और ये नंबर देखो ये 1 से बहुत छोटा है कि नहीं, जो हम लोग x बोलते हैं ना, x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, किससे स्मॉल होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, ऑब्वियस सी बात है ना, 0 के बाद में 4 जीरोज है, मतलब पॉइंट के बाद में 4 जीरोज है, फिर उसके बाद में नंबर है, मतलब ठीक है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एज पर दिस, अब तो हमारे तो मजे हो गए, हम इसको इसको क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट लाइक दिस, विच इज 1 - nx, तो 1 - 4 times of 0.1 2 3 4 7। अब इसको तो तुम मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? सभी को समझा कि नहीं? एवरीवन एक बार मुझे सब सारे स्टूडेंट्स बता देंगे, एंड आई थिंक इट इज विजिबल टू यू गाइस, आप देख पा रहे हैं पूरा बोर्ड अच्छे से, स्क्रीन क्लियर ना? ओके, वेरी गुड। तो ये हमारे अप्रोक्सीमेशन के हमने सारे जितना हमको रिक्वायर्ड होता है फिजिक्स के लिए वो सब चीजें हमने कर ली हैं। थोड़ा सा एक हम एरिथमेटिक एक्सपांशन, जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं, जो 2-4 फॉर्मुलेज लगते हैं वो लिख लेते हैं। मैथ्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, मैथ्स में तो बहुत बड़ा सिलेबस है, सिर्फ फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं जो गिन के 2-4 फॉर्मुलेज हमको लगते हैं उतना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं बेसिक मैथ्स जितना करवाऊंगी उससे एक भी फॉर्मूला आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख लेंगे, उसके बाहर आपको कभी यूज नहीं करना पड़ेगा, तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ये अपना अप्रोक्सीमेशन हो गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट एरिथमेटिक एक्सपेंशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी, जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज व्हाट, सीक्वेंस एंड सीरीज।
हम इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अरिथमेटिक एक्सपेंशन। इज एवरीवन इज रेडी? तो आप सभी को पता है कि अरिथमेटिक एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे ए बोल दिया आपने, फिर कॉमा आपने ले लिया विच इज ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी, मतलब एक से आगे, जैसे जीरो, या फिर यहाँ पर अगर ऐसे जा रहे हैं तो 2d, अदरवाइज पीछे जाएंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट ए माइनस डी, ठीक है? फिर ये आपका ए हो जाएगा, फिर आप बोल सकते हैं ए प्लस डी। मतलब अगर ये सपोज कि क्या है, जीरो है तो ये -1 है, ये +1 होगा, एग्जैक्टली आगे पीछे का नंबर। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 1 तो देन 2 देन 3, तो ये 1 हो गया, प्लस मतलब सपोज कि एक का डिफरेंस है तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 into 1 2, तो 1 + 2 is 3। तो लाइक दिस, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला ही लिखूंगी, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग एनीवेज बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे भी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जब आप फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, विच इज टी एन इज इक्वल्स टू, आई थिंक सभी को याद होगा, इट इज गिवेन एज ए प्लस एन -1 इंटू डी। फिर एक और हम लोग लिख लेते हैं एस एन, ठीक है, जो सीरीज का होता है। और तुम लोग क्रॉस चेक करो, ये तुमने स्कूल में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, या अगर कोई यहाँ अपना मैथ्स का स्टूडेंट है, आपने पढ़ा है तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है? ओके, बढ़िया। सो नाउ वी कैन राइट दिस एज व्हाट, विच इज एन बाई टू इंटू, यहां पर क्या आ जाएगा, हियर यू कैन राइट दिस एज विच इज 2a + n - 1 इंटू डी। ये जो है ये तुम्हारे दो फॉर्मूलेज हैं टी एन और ए एन के, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP। आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP जिसको आप बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमको ये फिजिक्स में यूज करना पड़ता है? तो अगर मैं बोलूँ तुमको, कभी कभी जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सारी जगह तो नहीं यूज करना पड़ता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ बीच में कभी तुमको बाई चांस आ सकता है। तो अगर बाई चांस आ सकता है तो चांस ही नहीं लेना है हमको, इसीलिए हम लिख ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, तुमको नहीं याद रहेगा एक टाइम के लिए, बट बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो, इनको लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कभी सुना ही नहीं है, मैम ये क्या अलग से आ जाता है और इसीलिए हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं लिखा दे रही हूँ तुमको। और इसलिए हम पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, इन चुन के जो एक दो फॉर्मूलेज हैं उतना ही कर रहे हैं। समझा सभी को? ओके, क्या हुआ भाई, 10th क्लास के मैथ्स का फॉर्मूला है? मैंने कहा ना भाई कि आप लोग ने ये सब मैथ्स में पढ़ा हुआ है, जो छोटा मोटा चीज मैथ्स में पढ़ा है वही हम लोग लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग 11th 12th का मैथ्स टच भी नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? चलो लेट्स क्विकली मूव टू दी व्हाट, GP, एंड देन हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला पूरा मतलब आपका अप्रोक्सीमेशन लॉगरिदम ओवर, फिर हम फटाफट से डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन करके वाइंड अप करते हैं सेशन को। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू दी वर्ड विच इज GP। अब अगर यहाँ हम क्या बोलेंगे, विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जिसको ही हम इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, GP बोलते हैं। तो इसमें भी वही दो दो तीन जो फॉर्मूलेज हैं उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ प्रोग्रेशन कैसे होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, विच इज ए देन ए इनटू आर, फिर यहाँ आर का जो होता है वो पावर बढ़ते जाता है, फिर यहाँ आपका ए आर स्क्वायर हो जाएगा, देन यू कैन से दैट ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है? समझा आप सभी को? तो जो टी एन आ जाएगा, टी एन क्या होगा, यहाँ पर यू कैन राइट टी एन एस,
कोई अगर आंसर करना चाहे तो आंसर भी कर सकता है। अभी आप लोगों ने ही बोला कि मैम 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, डेफिनेटली इफ यू नो याद आ रहा है आप लोगों को तो आप आंसर भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलो बढ़िया, तो लेट्स मूव टू दिस। तो अब क्या बोलेंगे, इट विल बी ए इंटू आर रेस टू, क्या होता है, एन माइनस वन होता है कि नहीं, एटलीस्ट यस और नो तो बोल दो। ठीक है, सो हियर यू कैन से दैट दिस विल बी एन माइनस वन। मुझे आप लोग बताओगे कि ये मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा ना। उसके बाद सेकेंड क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा, तो एस एन विल बी विच इज ए माइनस वन रेस टू आर अपॉन अपॉन क्या होगा, ये कुछ तो उल्टा लिख दिया मैंने ये ना, हाँ यहाँ चेंज करना होगा, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। तो दिस विल बी, वन सेकेंड, पूरा ही चेंज कर देते हैं, ये अपना हो जाएगा, दिस विल बी ए, अपने को कॉमन लेना एक्चुअल में ना, ए ऐसे हो जाएगा, सो इट इज वन माइनस आर रेस टू एन, एंड यहाँ डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, सेम जो आपका वन माइनस आर है, तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा वन माइनस आर, एंड दैट्स योर फॉर्मूला फॉर एस एन। ठीक है, क्लियर गाइस, सभी को समझा। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने यहाँ क्या बोल दिया, टू है, सिक्स है, मतलब टू का क्यूब ना ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो आप क्या बोल दो, नहीं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस, अगर आपने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, टू थ्री सा सिक्स, फिर से आप कॉमन डिफरेंस ले लो, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये एटीन हो जाएगा, फिर इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो एटीन थ्री सा 51 होता है, चेक कर लो भाई, टेबल है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, समझ में आया आप सभी को। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये इंक्रीजिंग जीपी है, मतलब इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यही अगर आप डिक्रीजिंग बोलेंगे, मतलब आप सपोज क्या 51 से पीछे आ रहे होते यहां से, तभी भी क्या है, कॉमन डिफरेंस थ्री का ही है, ठीक है, ये जो डिफरेंस होगा थ्री का होगा, अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे डिक्रीजिंग जीपी, और अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो यू कैन से दैट दिस इज इंक्रीजिंग जीपी, समझा, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज डिक्रीजिंग जीपी। क्लियर है सभी को, एवरीवन? ये सब फॉर्मूला स्कूल में था तो हमने, पर स्कूल में तो कहाँ ध्यान तो दिया नहीं, तो ऐसे ही कर लिए, कोई बात नहीं, अभी याद आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, आप जो स्कूल की चीजें पढ़ी हुई हैं ये हम थोड़ा सा वही पढ़ रहे हैं, अब एक्स्ट्रा हम चालू करेंगे अब। ठीक है, अभी तक तो हमने सारी चीजें कर ली, नाउ वी विल टॉक अबाउट डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम किसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमको फिनिश करना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हमने पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन, लॉगरिथम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो सब चीजें कर ली हैं। नाउ क्विकली वी विल टॉक अबाउट द डेरिवेटिव्स। तो देखो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इट्स लाइक डिविजन, ठीक है, आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा इसको ना एकदम से डिटेल में फंक्शन एंड ऑल के फॉर्म में नहीं पढ़ने जाएंगे, शांति से फॉर्मुलेस करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो चीजें कर लेते हैं, मतलब जो हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। अननेसेसरी तुमको मैथ्स पढ़ा के कुछ मतलब नहीं है, हमको जरूरत नहीं है उतना, तो जितना फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है हम उस पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो फर्स्ट आई विल गिव यू द फॉर्मुलेस, ठीक है, एंड देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को चलेगा, यस गाइस, क्या एवरीवन विल बी ओके विद इट ना, चलो लेट्स गो अहेड, एंड सबके साथ थोड़ा शेयर भी कर लो, लाइक वाइक भी करते रहो भाई। अब देखो ध्यान से, तो हम किस पे आ रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मुलेस पे आ रहे हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे किससे, एक्स रेस टू एन, आपका फेवरेट वाला फॉर्मूला, तो डी बाय डी एक्स, मतलब क्या है,
डी बाई डी एक्स को ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव किसका, जो भी आप यहाँ लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, अगर ऐसा कुछ दिया है तो तब आप क्या बोल सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। और सबके मैं एग्जाम्पल्स करवाते चल रही हूँ साथ साथ में ताकि तुम्हारे तुमको कोई टेंशन ना हो। लाइक वाई इज इक्वल्स टू, अगर ऐसे दे दिया एक्स क्यूब और तुमको बोल दिया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो देयर फोर डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, एन क्या है यहाँ पर थ्री है, एक्स रेस टू एन माइनस वन दैट मीन्स थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा, इट विल बी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। मैं सबके एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में करवा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है, ऑल राइट, वेरी गुड, और सबके साथ शेयर भी करते रहो ताकि पब्लिक जो है वो आती भी रहे, नॉट बैड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पर किसी को कुछ डाउट होगा तो देखो मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, वेर के रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आप बोलोगे मैम कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पर डेरिवेट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, एक्स के, अगर उसमें एक्स वाला टर्म नहीं है तो वो सबका सब कांस्टेंट है। क्या कहा मैंने, जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा या जो आपको यू नो एक्सप्रेशन दिया है कि जिसको आपको डेरिवेट करना है, अगर उसमें एक्स का टर्म नहीं है, एक्स क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है कि वो कोई नंबर ही रहे, बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि कांस्टेंट मतलब नंबर होता है, नहीं, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखती हूँ, एक तो ये मैं बोल सकती हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज कोई नंबर हो गया फोर, फोर को क्या आप डिवाइड करोगे, वो डिवाइड मतलब इट्स समथिंग लाइक यू नो कि फोर का वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर फोर तो फोर ही रहेगा, तो दिस विल बी जीरो ओनली। अब यही इसकी जगह अगर मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया एग्जाम्पल डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या साइन थीटा, सपोज ऐसा कुछ दे दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है और आपको डिफ्रेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो क्या यहाँ पर एक्स वाला टर्म है, नहीं है, हाँ ये साइन एक्स होता तो हम उसको कर लेते, या फिर ये थीटा है यहाँ भी थीटा होता तब ये कांस्टेंट नहीं होता, बट यहाँ पर ये थीटा है यहाँ पर ये एक्स है तो ये पूरा का टर्म कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ सपोज कि टू टी दे दिया है, तो यहाँ पर टू तो कांस्टेंट है, ये टी भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, ये सब अपने लिए कांस्टेंट है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कांस्टेंट का मतलब होता है सिर्फ नंबर, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको समझा होगा एवरीवन, बहुत सारे लोग आप लोग बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि मैम कांस्टेंट मतलब सिर्फ नंबर होता है, तो ऐसा नहीं है, कांस्टेंट मतलब जिसके विथ रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू करना है, टी के विथ रिस्पेक्ट टू करना है, वाई के विथ रिस्पेक्ट टू करना है, जेड के विथ रिस्पेक्ट टू करना है, जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू करना है, अगर वो वाला टर्म नहीं है आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है मतलब वो कांस्टेंट है, बात ही खत्म, ओवर एंड आउट, समझा, ओके, ऑल राइट, चलिए ठीक है आगे बढ़े, एक बार मुझे सब बता दीजिए, शैल वी मूव अहेड, ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी हम लोग,
सत्यम, डिफरेंशिए डिफरेंशिएशन का जो प्रैक्टिकल मीनिंग, प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पर क्या हम फाइंड आउट करें, चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? लाइक जैसे अगर आप हम इसकी बात कर रहे हैं तो या प्रीवियस वाला एक्सप्रेशन आप देख लो, जैसे हम लोग ने यहाँ लिखा है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डी बाई डी एक्स बोल देते हैं, तो ये एग्जैक्ट चेंज हम निकाल रहे हैं किसका, ये जो फंक्शन दिया होगा ना, इसका एग्जैक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, चेंज ऑफ दैट फंक्शन जिसके भी विथ रिस्पेक्ट टू आप निकाल रहे हैं। यार यू कैन से दैट डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, समझ में आया? एक होता है कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, कि आप एग्जैक्ट डेरिवेटिव मतलब एग्जैक्ट चेंज निकाल रहे हैं, और एक एवरेज चेंज निकालते हैं। तो एवरेज चेंज के लिए हम लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट यहाँ से यहाँ तक, 0 से 110। अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं तो कुछ कहीं से स्टार्ट हुआ है कहीं पर एंड, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, मतलब 110 इंटरवल के लिए आप बात कर रहे हैं तो वो चेंज। और जैसे ही आप यहाँ पर बोल देते हैं तो यहाँ मतलब होता है कि लिमिट जो है वो बहुत छोटा है, मतलब एक से दूसरे के बीच में जो जाने का इंटरवल है ना, बहुत छोटा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो जब लिमिट पे अप्रोक्सीमेशन लगता है, इफ इट इज अप्रोचिंग टू 0, तो वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब अगर सपोज मैं यहाँ से वॉक करके यहाँ तक जा रही हूँ, मान लो कि मैंने वहां से स्टार्ट किया, यहाँ तक आने में मुझे 2 सेकेंड लग रहा है, तो जो मेरा इनिशियल टाइम है 0 है, यहाँ मेरा फाइनल टाइम 2 सेकेंड है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? आपको वेलोसिटी निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, जो भी निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं। बट आपने बोल दिया कि नहीं मैम मुझे, और मतलब जैसे मुझे एग्जैक्टली 0.1 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है कि आपका वेलोसिटी क्या है, तो आप एग्जैक्ट टाइम बोल रहे हैं। मतलब यहां से ये जो इंटरवल है उनके बीच का जो गैप वो बहुत छोटा है, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं ना लिमिट। अगर आपने टाइम पर लगा दिया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो मतलब चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है? चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। हम टाइम को 0 नहीं बोल रहे हैं, जो इंटरवल है इंटरवल को हम 0 बोल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 मतलब 0.000 समथिंग है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0, इट इज अप्रोचिंग। ये जो ऐसे वाला सिंबल होता है ना, हम उसको बोलते हैं अप्रोचिंग और टेंडिंग टू 0। तो अब आप यहाँ जो भी फंक्शन होगा, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, 1 सेकेंड, इफ यू आर सेइंग दिस एज व्हाट, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, मतलब आपने किस पे लगा दिया लिमिट, टाइम पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में, दिस कैन बी रिटन एज डीवी बाय डीटी। तो ये आप बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होगा, सो दिस इज एवरेज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, ठीक है? तो ये हम लोग जनरली ये सब चीजें फिजिक्स में यूज करते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम डीएक्स क्यूब वाला एक बार दोबारा बता दो प्लीज, डीएक्स क्यूब वाला ये तो एकदम सिंपल है, इसको यहाँ साइड में रख लो, ये आप लोगों के काम ही आएगा, ठीक है? मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, बट यू कैन कीप इट दिस, ठीक है, ओवर हियर। देखो अपना फॉर्मूला क्या है, जिसको डीएक्स क्यूब नहीं समझा वो यहाँ देखो, आपका फॉर्मूला क्या है, विच इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ये तुमको याद होना चाहिए, इट कैन बी गिवन एज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। यही फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर अपना एन कितना है, दिस इज योर एन, एन 3 है एज पर दी फॉर्मूला। पहले हमको क्या लिखना है, एन, एन मतलब 3 लिखा, एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन मतलब 3, 3 माइनस वन, अब इसको ही आगे लिखा 3, तो ऐसे ही रहेगा, एक्स रेस टू 3 माइनस वन 2, तो एक्स स्क्वायर आ गया। आई थिंक अभी समझ में आ गया सभी को। चलिए अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का ग्राफ समझ नहीं आता, करेंगे भाई वो भी करेंगे, टेंशन ना ले। ग्राफ के लिए एक सेशन में रखूंगी जिसमें हम पूरा का पूरा ग्राफ करेंगे, जिसमें टैंजेंट निकालते हैं, टैंजेंट का स्लोप निकालते हैं, या कोई कर्व है, कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका जो एप्लीकेशन है वो,
वो भी करेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है? चलिए, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। हमने कहाँ तक लिखा? कांस्टेंट तक लिखा। अब हमको आगे बढ़ना है। डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं लॉगरिथमिक फंक्शन लिख ले रही हूँ, विच इज आप ln ऑफ एक्स लिखे या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। याद रखिए, हम जब जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा कि हम बेस 10 ले रहे हैं कि बेस e ले रहे हैं, दोनों का ही आंसर क्या आएगा, 1/x आएगा, ठीक है? ये लिखेंगे तब भी 1/x आएगा, ये लिखेंगे तब भी 1/x आएगा। कहने का मतलब कि लॉगरिदम फंक्शन है तो 1/x आएगा। और यहाँ जो एक कंडीशन रहती है, नहीं वो हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये ठीक है। अब उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स, e मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सबसे प्यारा फॉर्मूला है, इसको कुछ नहीं करना होता है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आंसर आ जाएगा। हाँ, बट अगर ये ऐसा दिया हुआ है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एन एक्स, अब बोलोगे मैम इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, एन जो है कुछ नंबर हो सकता है, लाइक जैसे मैं ऐसे लिखूं, ये हो जाएगा एन इंटू ई रेस टू एन एक्स। इसका मैं एग्जाम्पल लिखा दे रही हूँ, सपोज वाई इज इक्वल्स टू दिया है आपको ई रेस टू 3x, ऐसा कुछ दे दिया है, और आपको बोला है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, एन क्या है बच्चा यहाँ पर, एन इज 3, तो एज पर दिस फॉर्मूला 3 इंटू ई रेस टू 3x आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और अगर ये सिर्फ ई रेस टू एक्स होता तो उसको हम ई रेस टू एक्स ही लिख देते, तब कुछ नहीं करते। क्लियर? समझ में आया सभी को? ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे किसकी, हमने एक्सपोनेंशियल कर लिया, लॉगरिदम कर लिया, ठीक है, बेसिक वाले कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मूव कर जाते हैं। तो डी बाय डी एक्स ऑफ, और यहाँ पर मैं एक्स ही लिख रही हूँ, तो मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर ये थीटा है आपको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना, थीटा कर सकते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस एक्स। क्या कहा मैंने, साइन का डेरिवेटिव, ये मतलब ये डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डेरिवेटिव में जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी नेगेटिव। अब ध्यान से आप उस चीज को एग्जामिन करना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस किससे चालू हो रहा है, सी से, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस के बाद क्या आ जाता है, टैन आ जाता है, सो टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वन इज विच इज, अब इसका उल्टा ले लो रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, तो डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। देखो कोसेक भी किससे चालू हो रहा है, सी से, तो मैंने क्या बोला कि जो भी सी से चालू होगा आंसर विल बी नेगेटिव, तो कोसेक का इंटीग्रेशन जो हो जाता है दैट विल बी वो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है? एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दिस इज सेक एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स। यहाँ मैं सिंस इसका एक ही फॉर्मूला बच रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ताकि एक ही स्लाइड में तुम्हारे सारे फॉर्मूलेस आ जाएं। द नेक्स्ट वन विल बी साइन कॉस टैन कोसेक सेक, अब क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखती हूँ विच इज कॉट एक्स, कॉट भी किससे चालू हो रहा है, सी से,
तो मतलब ये आपको अभी समझ गया होगा, इसका भी आंसर नेगेटिव आएगा। बिल्कुल, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ क्या, इट विल बी कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक बार जल्दी से सब बता दो, सभी को समझाया, एवरीवन, सारे फॉर्मूलेस, और इन सबको तुमको फॉर्मूलेस याद रखना है। क्लियर? बिल्कुल, एकदम से सही जवाब, परफेक्ट। तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन। हमने ट्रिग्नोमेट्री भी कर ली है, अब एक लास्ट का आ जाता है, विच इज ए रेस टू एक्स, जो कि बहुत कम ही यूज होता है। उससे पहले ये करवा देती हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर कोई अलग अलग फंक्शन है, लाइक यू इज सम डिफरेंट फंक्शन, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वी कुछ अलग फंक्शन है, प्लस होगा तो प्लस साइन लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, डब्ल्यू, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा। कहने का मतलब आप सब पे इंडिविजुअली डेरिवेटिव लगा के कॉपरेट कर दीजिए, और जो साइन यहाँ दिया होगा वो हम यहाँ लगा लेंगे। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, जिसको हम डी यू बाई डी एक्स भी इन शॉर्ट बोल देते हैं, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डी वी बाई डी एक्स, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। इसका मैं एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। फंक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, यहाँ आप लिखना चाहें तो इन शॉर्ट लिख सकते हैं, इट इज लीएट, एल ई ए टी ई, टोटल पांच टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट आप बोल सकते हैं एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स, ए फॉर अल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, देन ई फॉर एक्सपोनेंशियल, जो ई रेस टू वाला लिखते हैं ना हम लोग, वो एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल। तो ये पांच टाइप के फंक्शन है, मतलब यहाँ कैसे आएगा फिर, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज गिवन एज लाइक दिस, विच इज टू रेस टू टू एक्स स्क्वायर दे दिया है, देन सपोज यहाँ प्लस दे दिया है, साइन ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू टू एक्स, ऐसे कुछ तो अलग से दे दिया है तुमको क्वेश्चन। अब तुमको बोला है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको कैसे का फाइंड आउट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स सारे ही टर्म में तो मतलब कुछ कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ पर टू कांस्टेंट है, टू को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ जब आप एक्चुअल में ऐसे लिखेंगे, मैं स्टेप्स लिखा दे रही हूँ, तो इट विल बी टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू टू एक्स, ठीक है। इन सब पे इंडिविजुअली वी कैन अप्लाई द डेरिवेटिव, वो कैसे, तो डी वाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ किस पे, ई रेस टू टू एक्स पे। सभी को समझा, जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलेस लिखा है वो अगर आपको याद है तो आप यहाँ लगा दीजिए। यहाँ देखिए टू जो है वो कॉन्स्टेंट है, टू 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 को हम लोग बाहर ले लेंगे, टू को जाने दो। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन वाला, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एक्स रेस टू एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, आपने लिखा होगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, एन इन टू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन क्या है, टू है, एक्स रेस टू एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन इज वॉट, यह आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, थोड़े टाइम पहले लिखा था कॉस एक्स आता है डेरिवेटिव साइन एक्स का, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू एन एक्स क्या लिखा है था फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एन एक्स, वाई एन एक्स बिकॉज यहाँ पर टू है, एन इन टू ई रेस टू एन एक्स आएगा, एन मतलब टू, तो टू इन टू ई रेस टू टू एक्स। अगर मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली यहीं सॉल्व कर दूं, मतलब आपको लिखना है तो आप एक स्टेप वापस लिख लीजिए, तो टू माइनस वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और ये जो है ये सिर्फ टू इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये सबके साथ में नहीं है। योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट, विच इज फोर एक्स प्लस कॉस एक्स
माइनस 2 इंटू ई रेस टू 2x, दैट्स योर फाइनल आंसर। एक बार मुझे सब बता दीजिए, समझा? क्लियर सभी को? एवरीवन? ठीक है, क्या हुआ भाई, कहाँ प्लस माइनस का क्या गोलमाल चल रहा है तुम्हारा? जो भी यहाँ पर साइन दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंगली साइन लगा लीजिए। साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है, एंड कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को कंफ्यूज मत करो आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेरिवेटिव पूरा कर लिया, सिर्फ एक लास्ट का फॉर्मूला बचा है, वो कौन सा? यूवी रूल, जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। वो कौन सा है? विच इज प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल मतलब अगर यू एंड वी दो अलग अलग फंक्शन है, सिंस इफ वाई इज गिवन एज यू इन टू वी, वेर यू एंड वी आर दी व्हाट, टू डिफरेंट फंक्शन, तो देयर फोर डी वाई बाय डीएक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, इसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी जो बोलना है वो बोलो। तो इट विल बी, एक बार यू को ऐसे ही रखो, वी को डिफ्रेंशिएट कर लो, जो भी यहाँ दिया है, तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो हम यहाँ एक्स लिख दे रहे हैं, देन प्लस, फिर अब वी को ऐसे रखो, अब यू को डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब एक एक बार करके सबको काम पे लगा दो आप। सिंपल, हमने क्या किया, एक बार यू को ऐसे रखा, वी को डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद हमने वी को ऐसे रखा, फिर यू को डिफ्रेंशिएट कर लिया। तुम यहाँ ऑर्डर रिवर्स कर सकते हो, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो फर्क नहीं पड़ता है, समझा? इसके बाद में क्वोशंट रूल भी आता है, बट क्वोशंट रूल बहुत हम यूज नहीं करते हैं, मतलब वो मैथ्स के लिए, या फिर आप जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां पर आपको आ जाता है, बट ठीक है मैं लिखा दे रही हूँ। आप डिवीजन रूल उसको बोल सकते हैं, बट ये नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है ये, अगर आपको ऐसे दे दिया वाई इज इक्वल्स टू यू बाई वी, सो इन केस, इन दिस केस हाउ यू विल राइट डी वाई बाई डी एक्स, सी आपका हो जाता है विच इज वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस, यहाँ माइनस आता है तो प्लीज आप इसका सीक्वेंस मत चेंज करना, ठीक है? नाउ यू इंटू डी वी बाय डी एक्स, और ये होल अपॉन होता है वी स्क्वायर, समझा? एंड वी का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, वी कांट बी जीरो, बिकॉज अगर आप 1/0 लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसीलिए हम कंडीशन लिख लेते हैं कि वी कांट बी जीरो, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, यहां तक तो एटलीस्ट सभी को याद होना चाहिए, ये अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो विद दिस हमारा पूरा का पूरा डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो सब खत्म हो गया, इतना ही डेरिवेटिव आना चाहिए तुमको और कुछ नहीं पढ़ना है, तुम लोग बेवजह का डरते रहते हो, ठीक है? अब इसके बीच में, अब आप बोलोगे कि मैम कभी साइन 2 थीटा आ जाता है, कभी साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाता है, तो वो डेरिवेटिव नहीं है उस, वो जो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस लिखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस लिखे हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस याद हैं तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, समझा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा दे दिया क्वेश्चन, लेट्स से मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ कि आपको दे दिया है वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और तुमको बोला है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? तो यहाँ ये तो आप आराम से कर सकते हैं, चलो उसको लिख लो, डी एक्स नहीं, सॉरी डी थीटा, बिकॉज अदरवाइज तो ये जीरो हो जाएगा, मुझे यहाँ पर मैं इसको डी थीटा दे देती हूँ, तो लेट मी राइट दिस एज व्हाट, विच इज डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ एक्स लिख दूंगी तो ये सबका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्यों? एक्स के लिए तो ये सब कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो डी बाय डी थीटा ऑफ किसका, साइन ऑफ 2 थीटा। आपको पता है कि आप डेरिवेटिव को स्प्लिट कर सकते हैं, हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं, तो डी बाय डी थीटा ऑफ किसका, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आराम से आप कर लेंगे,
इसको ना 2 थीटा को एज अ थीटा ही कंसिडर करो। तो 2 थीटा को अगर आप थीटा कंसिडर करें, मतलब साइन, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वहां एक्स था बट यहाँ अपने पास 2 थीटा है, तो 2 थीटा ये तो लिखेंगे आप, बट ये क्या सिर्फ थीटा है? नहीं, तो हम यहाँ पर चेन रूल यूज करते हैं, मतलब इसका वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डी बाय डी थीटा ऑफ किसका, 2 थीटा। ये हम इसलिए करते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 1 होता है तो हम नहीं करते, क्योंकि 1 मतलब ठीक है वो अंडरस्टूड होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थीटा होता तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, मतलब आपके फॉर्मूले में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है, 1 होता है। अब इसका मतलब ये ऐसा नहीं होता कि मैम ये डी एक्स डी एक्स कैंसिल होके 1 आ गया, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है मैम, ये देखो हमने क्या लिखा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पावर कितना है, 1 है, तो हम एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रेस टू एन का फॉर्मूला क्या कहता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, एन मतलब कितना, 1, एक्स रेस टू एन माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 1 इंटू 1, तो आपका आंसर 1 आया। तो ये इस तरह से 1 आता है, ऐसा डीएक्स डीएक्स कट करके 1 नहीं होता है। कहने का मतलब वही है कि सेम थिंग गोज फॉर योर थीटा ऑल्सो, मतलब एक्स की जगह मैं थीटा लिख दूं तो बात तो वही है। तो अगर ये थीटा होता तो डेरिवेटिव 1 होता, तो हमको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। बट यहाँ क्या ये थीटा है, नहीं, थीटा के अलावा कुछ है, थीटा स्क्वायर हो, 2 थीटा हो, 10 थीटा हो, 1000 थीटा हो, क्या ही करना है हमको, जो भी है हमको यहाँ वापस से एक बार उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो निकाला हमने, यहाँ लिख दिया फॉर्मूला प्लस। अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाओ, नहीं, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कैसे है कि आप सभी को पता है, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ यहाँ पर, 1 सेकेंड, नाउ हियर आई कैन राइट दिस एज, देखो सिंस आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो देयर फोर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी वॉट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो ये आ जाता है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, मतलब cos 2 थीटा। अब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो साइन स्क्वायर थीटा को, यू कैन राइट दिस एज वॉट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड by 2 होता है, सॉरी, जिसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब आप इसको यहाँ लिखिए, लिखने के बाद में फिर अब हम इसको इंडिविजुअली डेरिवेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू cos ऑफ 2 थीटा, एंड यहाँ पर जो होगा दिस इज प्लस, ये हाफ है, हाफ बाहर आ गया। ठीक है, मतलब हाफ का एनीवेज अगर आप इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो हाफ तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बाहर लेने की जरूरत ही नहीं, हाफ का डेरिवेटिव ही 0 हो जाता है। आप यहाँ कह सकते हैं कि दिस विल बी व्हाट, 0 ओनली। तो ये तो तुम्हारा हाफ का 0 हो गया, बट इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला हाफ बाहर ले सकते हैं आप, और ये माइनस है, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस साइन 2 थीटा हो गया। एंड यहाँ जो आपने हाफ लिया था, फिर आप इसको अब 2 के साथ में यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी, इधर गया, हाँ, इसको हम लोग ने साइन इसका 2 थीटा cos 2 थीटा निकाल लिया एंड डिवाइड बाय 2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, समझा? ठीक है, ओके, पावर 0 हो तो 1 आएगा, हाँ, एनीथिंग रेस टू 0 जो होता है वो 1 ही आता है। तो
तो ये चीजें यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको, अदरवाइज आप देखो डेरिवेट करते हैं तभी भी यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इन जनरल जब कोई भी सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्रेशन, तो आप ऐसे मत दो कि वो सारा डेरिवेटिव का ही दोष है। मतलब आपको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री अगर बीच में आ गया तो वो फॉर्मूलेज आने चाहिए, तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो उसके, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड दैट्स इट, ठीक है। और इसको अगर हम x रेस टू n लेंगे तो देखो x रेस टू n अगर हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू फिर x रेस टू n माइनस 1 साइन x फिर साइन x का डेरिवेटिव, तो ऐसे नहीं आप इसको सब्सिट्यूट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपको चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? तो अभी अपना जो है आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए एक क्लास और करना पड़ेगा अपने को। इंटीग्रेशन हम लोग और उसका जो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, मतलब बच क्या रहा है, इंटीग्रेशन बच रहा है, इंटीग्रेशन देन प्लस एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं बहुत जल्दी इसको नहीं फिनिश करूंगी। एनी वेज वी आर हैविंग वन क्लास एट 11 PM, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए डिनर करने के लिए, एंड उसके साथ अभी के अभी सारे लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, 9:30 PM को ओपन हाउस सेशन के लिए। तो ओपन हाउस सेशन में क्या होगा कि आप मुझसे इट्स लाइक जैसे टेलीफोनिक कॉल होता है, आप मुझे इमिडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अभी के अभी आ जाओ, आई विल बी देयर, ठीक है, विथ यू गाइस फ्रॉम 9:30 PM। तो हार्डली जस्ट एक एक मिनट बाकी है, आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और ये कैसे ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी चीज है, अगर किसी के पास अनअकैडमी का लर्नर ऐप नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। इवन मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, आप उस पर इमिडिएटली क्लिक करेंगे, लिखा होगा अर्चना पांडे प्रोफाइल लिंक, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, फोर्थ लिंक है आई थिंक, ठीक है। जैसे इमिडिएटली क्लिक करेंगे आपको मेरे प्रोफाइल पे अनअकैडमी लर्नर ऐप पे चले जाएंगे, ऐप नहीं होगा तो आपको वहाँ ऑप्शन भी मिल जाएगा डाउनलोड करने का, अदरवाइज यू गाइज कैन फॉलो मी, तो इमिडिएटली यू पीपल कैन ज्वाइन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एंड साथ ही साथ में अगर आप लोग बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी आपको आप देख सकते हैं कि थोड़े दिनों के लिए, थोड़े मतलब आज और कल के लिए, आज का भी जो टाइम बचा हुआ है वो और कल तक का, आपको 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, यू आर गेटिंग 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं अर्चना10 ARCHANA10, तो आपको इमिडिएटली 20% ऑफ मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस, पूरा आपको फुल सपोर्ट रहेगा आपके नीट एग्जाम तक। एंड मेरी बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं फॉर 2023 एज वेल एज 2022, तो आप मुझे इमिडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए वैलिड है, मतलब 30 एंड 31, टुडे इज 30, टुमोरो इज 31, 1 फेब से आपके जो प्राइजेस हैं वो हाइक हो सकते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अननेसेसरी क्यों पैसे पे करेंगे आप, तो आप कोशिश करो कि अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी से ले लीजिए। बाकी ये सब बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, किसी भी बैच में किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, आपके डाउट्स आप अनअकैडमी पे पूछ सकते हैं, तो जो भी आपके प्राइजेस होंगे सब्सक्रिप्शन के दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20% फॉर 2 डेज। तो आई होप आप लोगों को आज जो भी हमने किया बेसिक मैथ्स में वो समझा होगा। ओनली इंटीग्रेशन इज पेंडिंग अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, इमिडिएटली यू गाइज कैन ज्वाइन मी फॉर ओपन हाउस एंड देन 11 PM हम वेक्टर्स के आज PYQs करेंगे। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, अभी हम मिल रहे हैं, आ जाओ ओपन हाउस सेशन में। ओके, बाय बाय बच्चा, शेयर कर लो सबके साथ, लाइक नहीं किया तो